ఉండను అవును అని చెప్పి క్లోజర్ तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं यहाँ पे एक जगह पे, उसको हम सेंचुरी बोलते हैं, नेचर कैंप। अभी तो बंद है, अभी 5 बज गया है, बाद में कभी आएंगे यहाँ पे। यहाँ पे हाथी, दरअसल हाथी इसमें अंदर में बहुत सारा हाथी है। ये वाला है गोड़ीवाई नेचर कैंप, चंदगा डम्बापुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आता है। यहाँ पे सनसेट होने वाला है और ये वाला चीज़ है यहाँ पे, टिकट काउंटर वहाँ पे है, बंद हो गया है। बाद में आएंगे वहाँ, वहाँ पे सफारी का गाड़ी है, सफारी का गाड़ी में जाके अंदर घूमेंगे, यहाँ से निकलेंगे, बाद में कभी आएंगे तो ज़्यादा सर्दी पड़ जाने दो, उसके बाद आएंगे। वहाँ पे देख रहे होंगे हाथी, वहाँ पे स्टैचू है। ये जो जंगल दिख रहा है, ये जंगल है चंदा का जंगल, फॉरेस्ट रीजन है, इसमें हाथी निकल आता है। ये यहाँ पे जब वाल बनाए हैं, वो वाल के क्रॉस करके हाथी रोड पे चला जाता है कभी कभी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और यहाँ पे प्राइवेट घर भी है, यहाँ पे अपार्टमेंट भी है। यहाँ पे सनसेट हो चुका है और ये जो रास्ता है, ये रास्ता क्रॉस किया है किसको, जंगल को। ये रोड जो बना है, ये टोटल एक ही साथ ये भी जंगल है पूरा। ये रोड जंगल के बीच में आया है और ये चंदा का जंगल है। तो यहाँ पास से नहीं दिख रहा होगा, अंदर जंगल ही जंगल है पूरा। इस साइड में, इस साइड भी जंगल है। तो बेसिकली जंगल को बोलते हैं चंदा का जंगल, ये भुवनेश्वर के पास ही है। हम गए थे किस काम के लिए, हॉस्पिटल गए थे, जो जाते वक्त छूट के थोड़ा बहुत किए हैं, तो आप देख चुके होंगे। और यहाँ पे लौटते वक्त तो सनसेट हो गया, अच्छा क्लाइट नहीं आ रहा है। तो जंगल बेसिकली ये हाथी के लिए है, हाथी के लिए जंगल डेडिकेटेड। हाथी कभी कभी इस रोड पे भी आ जाता है। तो बाद में कभी एक दो महीने बाद हम यहाँ पे एक, आप देखे होंगे पहले, प्रीवियसली देखे होंगे यहाँ पे गुड़ीवारी करके एक नेचर कैंप है, उसके अंदर आप ट्रैकिंग करके जाएंगे कि आप सफारी में जाएंगे, तो वहाँ पे बहुत सारा हाथी है और जो मयूर बोलते हैं, पिकअप मयूर भी है, वो सारा चीज़ है, देख सकते हैं। बाद में कोई स्पेशल उसके लिए वीडियो बनाएंगे। तो स्टे इन द व्लॉग्स। Same.